अस्सलाम वालेकुम। ओके सो गाइस, इस वीडियो में वी आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अभी तो बिकॉज कंजक्टिवा का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं आई का, तो उसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का जिक्र आता है, बिकॉज ये कंजक्टिवा को और आई को मेनली अफेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू आई, ये एक सिंड्रोम है जो आपके मोर देन सिंड्रोम, हमेशा जब भी नाम आते हैं तो मतलब ये कि आपका एक ऑर्गन से ज़्यादा सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे हैं। और इसका जिक्र आप बहुत जगहों पर सुनेंगे, बिकॉज जब आप मेडिसिन पढ़ेंगे, आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, आप हर चीज़ में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बहुत जगहों पर आते हैं, इसलिए आपको इसका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन में हम देखते हैं सबसे पहले है क्या। इट इज एक्चुअली एन इन्फेक्शन, ठीक है, ये एक्यूट इन्फेक्शन है विच इन विच वेसिकल्स एंड बुल्ले आर फॉर्म, ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन जिसमें वेसिकल्स और बुल्ले बनेंगे। किस जगह पर होगा? ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और किसकी वजह से होगा? ड्यू टू आइदर एनी मेडिकेशन और इन्फेक्शन, ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि इट इज एक्यूट वेसिको बल्बुलर फॉर्मेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एनी मेडिकेशन और इन्फेक्शन। अब एक्यूट का मतलब है कि शॉर्ट ऑनसेट है, ठीक है। वेसिकल्स और बुल्ले जो बनते हैं, वेसिकल्स और बुल्ले क्या हैं? आपकी जो स्किन इरप्शन होती है ना, यानी कि आपको जो जिसे हम नॉर्मली दाना कह देते हैं उर्दू में, वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब ऐसा हो कि हल्की सी एपिथीलियम रेज हुई भी हो और उसके नीचे थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्ट हो, तो उसे हम वेसिकल कहते हैं। और वेसिकल की ही जो डिफरेंट फॉर्मेशंस होती है, उसमें एक गुल्ले भी होती है, ठीक है। और होगा कहाँ पर? अभी मैंने बताया था स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन में होगा, किसी मेडिसिन के रिएक्शन से भी हो सकता है या डायरेक्ट किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है। मैं इसकी बातें आपको डिटेल में बताऊंगी। आगे आते हैं हम इसकी टाइप्स पे। हमारे पास ये तीन तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स सिवेरिटी, ठीक है जी। जो हमारे पास अगर ऐसा एरिथमा ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होगी आपकी स्किन, तो उसे हम कहते हैं एरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर, ठीक है। अगर आपके स्किन के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाती है, आपको पता है कि सबसे ऊपर हमारी स्किन होती है और स्किन के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कुछ जगहों पे, हर जगह म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती है। हमारे पास जैसे म्यूकोजा आप जनरली कह लें, जैसे हमारे पास आई है या हमारे जेनिटेलिया है या मुँह है, इसमें तो हमारे पास डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन हमें सारी नज़र आ रही होती है ना। लेकिन अगर नहीं भी आ रही तो भी इट्स लाइक आपको पता है स्किन की जो लेयर है उसके नीचे म्यूकोजा होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। तो बहरहाल अगर हाल ही आपकी स्किन इन्वॉल्व है तो एरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर कहेंगे। अगर स्किन के साथ साथ आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है तो आप उसे कहेंगे एरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर। और मोस्ट सिवियर फॉर्म जो होती है उसे हम कहते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, जिसमें एपिडर्मिस पूरी की पूरी नेक्रोस हो जाती है और उसमें कुछ रहता ही नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो ये इसकी तीन टाइप्स हैं। कमिंग अपॉन द कॉज, मैंने अभी शुरू में डेफिनेशन में आपको बता दें कि आइदर इट कैन बी ड्यू टू एनी मेडिकेशन यानी ड्रग्स, और इट कैन बी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। कौन कौन सी ड्रग्स कॉज कर सकती हैं, आपको नाम पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू में बात आती है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तीन मेन ग्रुप्स हैं। एक आपका जो पहला ग्रुप है वो है जी आपका एंटीबायोटिक्स, जिसमें से जो आपकी ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल होता है ना, ये मैं मोटा मोटा लिख रही हूँ, ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल जो आपकी सल्फोनामाइड्स हैं बेसिकली, ये एक मेन ग्रुप कॉज करते हैं। फिर जो आपकी एनाल्जेसिक्स हैं, अब बहुत सिंपल जो बात है पैरासिटामोल, उससे भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अब आपने याद रखा, जब आपके पास अगर गलती से कुछ सिनेरियो आता है ना, स्पेशली अगर एमसीक्यूज में सिनेरियो इसका इतना कॉमनली नहीं आता, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आता है तो उसमें बहुत कॉमनली पैरासिटामोल देते हैं, बिकॉज दिस इज कॉमन यूज, ठीक है, आमतौर पर इस्तेमाल होती है। तीसरी चीज़ है एंटी कन्वल्सेंट, जो हमारी ड्रग है जो एपिलेप्सी वगैरह के लिए दी जाती है, उनसे भी हो जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। अगर वायरल होगा तो हर्पीस जो है ना आपका मोस्ट कॉमन है, हर्पीस के साथ इसका सिनेरियो आता है, ठीक है। हर्पीस की एडीनो वायरस फैमिली भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन हर्पीस है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है वो बैक्टीरिया का, तो उसमें आपने याद रखना है कि आपका जो माइकोप्लाज्मा नमूनी है ना, विच इज़ बेसिकली अ वॉल लेस ऑर्गेनिज्म, कभी कभी इसका अगर सवाल है तो वॉल लेस के नाम से भी आ जाता है, तो माइकोप्लाज्मा नमूनी ये आपका पॉजिटिव एजेंट मेनली होता है जो ये कर देता है। स्ट्रेप्टोकोकाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मेन मेन याद रखने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉजेज जो है इससे एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसलिए आपने याद रखने ड्रग्स और इन्फेक्शन, तो कौन कौन से ड्रग्स कौन कौन से इन्फेक्शन। फिर हमारे पास अगली चीज़ अगर हम देखें तो फीचर्स क्या है इसके, क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि कुछ होते हैं आपके जनरल फीचर्स, कि पेशेंट को फीवर होगा बहुत शदीद किस्म का, फीवर बहुत मलेज यानी कि शदीद थकावट, जोड़ों में दर्द, आर्थ्रेलजिया, ठीक है, ये बातें होगी। और उसके साथ साथ उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अक्सर हुआ हुआ होता है, बिकॉज इम्यूनिटी इसमें थोड़ी हमारी कम हो जाती है, बिकॉज एक वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है ना। तो फीवर, मलेज, आर्थ्रेलजिया एंड तीसरी चीज़ मैंने आखिरी आपको बताई थी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद अब हम जब स्पेसिफिक आते हैं तो ऑकुलर इन्फेक्शन होते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अब ये बात याद रखने वाली है, बिकॉज जब आपके पास सिनेरियो आता है या फिर आपका एसीक्यू आता है तो आपको क्लिनिकल फीचर्स बता देते हैं और बता देते हैं कि क्या हो रहा था पेशेंट के साथ, तो आपने उससे डिटेक्ट करना है। तो आपको ना बहुत अच्छे से स्पेशली ऑक्युलर फीचर्स याद करने हैं, बिकॉज कंजक्टिवा के रेलिवेंट में ये टॉपिक आया था, इसके ऑक्युलर फीचर्स आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है।
उसमें से आपने कोई भी मिस नहीं करना, इसलिए मैंने उसके लिए ना एक निमोनिक यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, रैट गेट पास्ट विद कंट्रोलिंग माउस किलिंग लिफ्ट। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें क्या क्या आपका आ जाएगा, वैसे भी याद करना आसान था, इस तरह और आसान हो जाएगा। आर स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ पर साथ साथ लिखती जाती हूँ, ठीक है। आई में क्या क्या हो रहा है, रेडनेस, रेडनेस हो रही है, ठीक है। जी से ग्रिटेनेस थोड़ी थोड़ी हो रही है साथ आपकी। पी से आपका है फोटोफोबिया, कि आपको रोशनी से दिखाई कम देती है और चुभन होती है। डब्ल्यू से वाटरिंग हो रही है आँख में, ठीक है। फिर हमारे पास सी आ गया तो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, आपका कंजक्टाइवा इन्वॉल्व हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस। एम आ गया मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, हमने पढ़ा था ना मेम्ब्रेन और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाते हैं कंजक्टाइवा में, तो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है। के से केराटाइटिस एंड केराटोपैथी, यानी कि दोनों कॉर्निया के इफेक्ट्स हैं। पंक्टेट एपिथीलियल केराटाइटिस भी हो सकता है, केराटोपैथी भी हो सकती है, यानी कि आपका जो कॉर्निया है उसमें छोटी छोटी जगह पर अल्सर्स भी बन सकते हैं और पूरा कॉर्निया की भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है। एंड एल से लिड्स स्वॉलन, मतलब लिड मार्जिन आपका स्वॉलन होगा। तो ये आपने याद रखना है, रैट गेट पास्ट विद कंट्रोलिंग माउस किलिंग इफेक्ट, तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो आराम से हो जाता है, इसमें से कोई मिस नहीं करना, इसलिए मैंने निमोनिक बताया। रेडनेस, ग्रिटेनेस, फोटोफोबिया, वाटरिंग, कंजक्टिवाइटिस, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, केराटाइटिस, लिड्स वॉलन, दैट्स इट। ऑक्युलर ये मैनिफेस्टेशंस हैं। फिर दूसरी आपको पता है जो, क्योंकि हमारे पास ये वाइड स्प्रेड स्किन का और पूरी बॉडी का इन्फेक्शन है, तो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। उसमें क्या होगा, इसमें अपने इंपॉर्टेंट बात दूसरी याद रखनी है कि आपको पता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी आंख में, दूसरी माउथ में है, तो जो आपका ओरल म्यूकोज है ना वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं, उसके आपको वेसिकल्स और बुल्ले बने हुए नजर आते हैं और इसी की वजह से लिप्स की क्रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये है, और बॉडी पे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, टारगेट लीजन्स होती हैं। अब पता है जब आप वो जो बुल वाली एक चीज़ होती है जिसमें टारगेट बनाया जाता है, किसी भी जगह टारगेट बनाया जाता है, तो ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सेंटर में एक डॉट, दिस इज टारगेट। इस तरह की लीजन्स आपको बॉडी पे मिलेंगे, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ओरल और आपका ये म्यूकोसा भी इन्वॉल्व है, बॉडी पे आपको इस तरह की लीजन्स मिलती है जिन्हें टारगेट लीजन्स कहते हैं, और आपको जब भी इसका सवाल आएगा तो ये बातें आती हैं क्लिनिकल फीचर्स में, सिनेरियो में ये टारगेट लीजन्स बताते हैं, जिसको ये नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके अलावा मैक्यूलोपैपिलर बुलस फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। अब जब आपसे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस पूछे तो यही सारी बातें जो ऑक्युलर कॉम्प्लिकेशन है इनको आपने इन्हांस कर देना है। कैसे इन्हांस करना है, कंजक्टिवाइटिस सिवेयर हो गया है, साथ वाटरिंग हो रही है, वाटरिंग के बाद क्या होगा, अगर हमने कहा है कि कंजक्टिवाइटिस है, वाटरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि आपका लैक्रिमल सिस्टम ब्लॉक हो गया, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस होगा तो टीयर फॉर्मेशन रुकना रुक जाएगी, बिकॉज आपके वो सारे जो गॉबलेट सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगी। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है, उसकी वजह से आपकी नजर आना मुश्किल हो जाता है। लिड्स स्वॉलन है, आईलिड्स अंदर मूव करेंगे, इंट्रोपियन हो जाएगा, आईलिशेस आपकी टच करना शुरू कर देंगी आपकी आईबॉल को, तो उसे टिकीएसिस कहेंगे। तो सारे नाम जो हम पहले पढ़ते आए हैं वो सारे इधर अप्लाई होंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगी, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, इंपॉर्टेंट बातें जो है मैंने बीच में बताई हैं वो आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ट्रीटमेंट, टॉपिकल भी है, सिस्टेमिक भी है। टॉपिकल ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स देते हैं हम, टॉपिकल स्टीरॉइड, साइक्लोप्लेजिक देते हैं ताकि स्पैज्म रिलीव हो, ठीक है। अच्छा ये मिटाती हूँ मैं, इस पर लिखती हूँ। उसके बाद हमारे पास है सबसे पहले, फिर हमने आर्टिफिशियल टीयर्स सची ड्राइनेस दूर करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स, स्टीरॉइड्स दे दिए हमने, साइक्लोप्लेजिक्स दे दिए ताकि वो ठीक हो। उसके बाद एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे अगर किसी जगह से हमारी कंजक्टिवा या कॉर्निया बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, ये तो टॉपिकल होगी। सिस्टेमिक में भी हमने स्टीरॉइड्स देने हैं और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी है, बिकॉज हाइपर इम्यूनिटी हुई हुई है इसमें, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे थोड़ी सी, और एंटीबॉडीज देंगे पेशेंट को अगर वो खुद से नहीं बना पा रहा। सो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका ज़्यादातर मैंने बताया एमसीक्यूज में सिनेरियो आ सकते हैं जिसमें वो कॉज साथ बताते हैं, साथ टारगेट लीजेंस और ये बताते हैं, तो आपने वो याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट इट, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, थैंक यू।